तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको जैसा कहते हैं, ये वेरना की फ्लूडिक है, होंडाई की वेरना है, फ्लूडिक वेरना है। तो मैं इसमें आपको एक चीज बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ कि रियर डिफोगर का, रियर डिफोगर काम कैसे करता है और इसका मेन यूज क्या रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रियर लिखा हुआ है और इधर एरो का मार्क दिया हुआ है, और ये फ्रंट का है जो विंडशील्ड ग्लास के ऊपर का रहता है, हवा वहाँ जाएगी आपका। लेकिन बट रियर में कोई हवा वहाँ नहीं जाती है, रियर की जो डिग्गी की डिग्गी में ग्लास दिया हुआ रहता है पीछे साइड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली, तो वहाँ कोई ये दिया हुआ नहीं रहता है, एयर का कोई डायरेक्शन नहीं जाता है, एयर नहीं जाता है वहाँ। लेकिन बट फ्रंट वाली में जब आप एसी चालू रखते हैं, अगर सामने वाली विंडशील्ड में अगर आपका फॉग वगैरह जम जाता है, तो यहाँ से आप फ्रंट चालू करेंगे फ्रंट डिफोगर का, तो यहाँ से सामने वाली ग्लास की फॉग खत्म होने लगता है। लेकिन बट पीछे वाली जो ग्लास में वहां का फॉग को क्लियर खत्म कैसे करता है और कैसे किया जाता है, तो वो उसके लिए रियर डिफोगर सिस्टम दिया है, जो कि मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलो फिर, जब तक हम पीछे जाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ग्लास के ऊपर एक एरो मतलब एक लाइनिंग रहती है, वो लाइनिंग क्या काम करता है, उसमें क्या रहता है। तो चलो फिर पीछे चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीजें। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो लाइनिंग दिख रही है ना आपको, ये हीटर सिस्टम का काम करता है। जब अंदर से आप बटन दबाते हैं रियर डिफोगर का, तो ये लाइनिंग जो है ना गर्म होने लगता है, लाइनिंग का सिर्फ गर्म होने लगता है। तो इसमें जो भी फॉग वगैरह जमा हुआ रहता है, तो ये धीरे धीरे सुखा देता है उनको, सुखाने का काम। जब हीटर आप चालू करेंगे तो जाहिर सी बात है सुखाने लगता है, जब अंदर से आप बटन चालू करेंगे तो। तो जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया ग्लास के ऊपर वो लाइनिंग जो रहती है, तो लाइनिंग यहाँ से बटन जब आप चालू करेंगे ना, तो वो लाइन हीट होने लगता है और ग्लास के ऊपर जो भी फॉग वगैरह रहता है उसको क्लीन कर देता है। जैसा आप पानी में हीटर वगैरह डालते हैं, अगर हीटर का जो एक मशीन आता है जो कि दो वायर लगी रहती है, उसमें से आप वोल्टेज देते हैं, तो उसको पानी में जब डालते हैं तो वो हीट होने लगता है, यानी दोनों तरफ से करंट रेजिस्टेंस, वो जो हीटर कॉइल रहती है वो करंट को रेजिस्टेंट का काम करता है, जब रेजिस्टेंट यानी रोकने की कोशिश करता है तो वो हीट होता है। तो उसी तरीके से इसमें भी दिया है, तो ये 5 से 7 मिनट का टाइमिंग रहता है, आप एक बार ऑन कर देते हैं तो फिर ये ऑन होने के बाद 5-7 मिनट चालू रहेगा और उसमें जो भी फॉग रहेगी वो सब क्लीन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ठंडा होगा, फिर वापस से चालू होगा, ये इसका ऐसा सिस्टम रहता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि रियर डिफोगर का काम कैसा रहता है और ये क्यों दिया हुआ रहता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सभी गाड़ियों में नहीं दिया हुआ रहता है, ये लेटेस्ट कारों में दिया हुआ रहता है बस, और बाकी तो आपको तो चलाना आता ही होगा। बस मैं एक थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि चीज़ों को आपको समझ में आए, बस बाकी और कुछ नहीं। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।